मौसम विभाग की भविष्यवाणी उत्तराखंड में सटीक साबित होती नजर आ रही है, जिसका अंदाजा आप बीते दिन से पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश के कहर से लगा सकते हैं। और ऐसे में अगर आप पहाड़ की तरफ जाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बड़े काम की होने वाली है। दरअसल नैनीताल जिले में मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया था, जिसके बाद पिछले 24 घंटे में जिले भर से भारी बरसात रिकॉर्ड की गई है। बता दें कि मुक्तेश्वर, नैनीताल और धारी में 100 mm से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तो वहीं जिले के 5 राजमार्ग, एक मुख्य मार्ग और एक 11 ग्रामीण मार्ग भारी बारिश से मलबा आने के बाद बंद पड़े हुए हैं, जिसके चलते जेसीबी के माध्यम से इन सड़कों को खोलने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में जिले भर में 71.8 mm औसत बरसात रिकॉर्ड की गई है और गोला नदी में 5044, कोसी नदी में 1240 और नंधोर नदी में 950 क्यूसेक पानी चल रहा है। ऐसे में राहत वाली खबर ये है कि जिले में किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। हालांकि बंद पड़े सड़क मार्गों के चलते कई गांवों का संपर्क मुख्यालय से टूट चुका है। ऐसे में किसी भी तरह की जरूरी स्वास्थ्य सेवा भी गांव तक पहुंचाने में बड़ी मुश्किल हो सकती है। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।